हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे मिलेनियम सिटी गुड़गांव। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नोएडा की वीडियो अब पूरी हो गई है, नोएडा की वीडियो अब नहीं आएंगी। अब जितनी वीडियो आएंगी वो दिल्ली की वीडियो आएंगी और फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए चंडीगढ़ की वीडियोज़ लाऊँ। एक दो वीडियो आएंगी गुड़गांव की और फिर उसके बाद दिल्ली की वीडियो शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और एक्सप्लोर करते हैं गुड़गांव को। फ्रेंड्स, गुड़गांव की जो जर्नी हमारी आज स्टार्ट होगी वो सेक्टर 56 से स्टार्ट होगी। पहले हम जाएंगे सिकंदरपुर और उसके बाद हम साइबर सिटी, साइबर हब को एक्सप्लोर करते हुए वापस अपनी जर्नी का एंड करेंगे सिकंदरपुर में। तो ये एक पूरी राइड होने वाली है मेट्रो के थ्रू। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी कुछ है आपको बताने के लिए और काफ़ी कुछ है आपको आज की वीडियो में दिखाने के लिए। फ्रेंड्स, ये जो लास्ट में आपको कुछ फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं ये गुड़गांव के सबसे लग्जरी फ्लैट्स में से एक है। इस सोसाइटी का नाम है अरलिया, जो कि काफ़ी पॉश सोसाइटी है और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जाना भी एक टास्क है, बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है इसके अंदर और वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट में से एक है ये। फ्रेंड्स, अगर बात करें नोएडा और गुड़गांव की तो नोएडा में महागुण और कोर सिटी और भी बहुत सारे अलग अलग बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं, बट गुड़गांव में जो है ज़्यादा डीएलएफ के प्रोजेक्ट काफ़ी हैं। यहाँ पर ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसका नाम है द ब्लेयर और इसी के साथ में आने वाला है गोल्फ कोर्स व्यू अपार्टमेंट। ये सामने जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये गोल्फ कोर्स व्यू अपार्टमेंट है और सारे लग्जरी फ्लैट हैं। जैसे एक सिटी का होता है पॉश एरिया, तो गुड़गांव का ये पॉश एरिया है पूरा गोल्फ कोर्स रोड। जितने भी अच्छे फ्लैट्स वगैरह है वो सब यहीं पर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अब आने वाला है सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, जो कि इंटरचेंज है दिल्ली मेट्रो और रैपिड मेट्रो का। दिल्ली मेट्रो से उतरकर आप यहां पर रैपिड मेट्रो को राइड कर सकते हैं। जो ऊपर जा रही है ये दिल्ली मेट्रो है जो कि दिल्ली की तरफ जा रही है गुड़गांव से।
और फ्रेंड्स इसके बाद जो व्यू आने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही एडवांस व्यू आपके सामने आने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ से हमारा रूट जो है वो वन वे हो जाएगा, तो जो सामने आपको ट्रैक दिख रहा है इस ट्रैक से हम वापस आएंगे। फ्रेंड्स ये जो सामने बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ये साइबर हैप है। नाइट का व्यू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है और ये गुड़गांव का नहीं पर इंडिया का डेवलप एरिया जो है उनमें से एक है। ये बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी के ऑफिस यहाँ पर हैं। फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9, तो धूप बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, जबकि गुड़गांव में अच्छी खासी धूप होती है और अच्छी खासी गर्मी होती है, पर पिछले 2-3 दिनों से अच्छी खासी बारिश हो रही है तो इस वजह से बिल्कुल भी धूप नहीं है यहाँ पर, तो मौसम बहुत अच्छा है गुड़गांव का अभी। तो फ्रेंड्स जो आपको नाव की शेप में बिल्डिंग्स दिख रही है सामने उसका नाम है गेटवे ऑफ गुड़गांव, क्योंकि जब दिल्ली की तरफ से आते हैं तो वो बिल्डिंग स्टार्टिंग में ही पड़ती हैं, तो इसलिए इसको गेटवे ऑफ गुड़गांव बोलते हैं। दिल्ली यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अगला स्टेशन फेज 3 स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन इज फेज 3 स्टेशन। अगला स्टेशन फेज 3 स्टेशन। दरवाजे दाएं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। नेक्स्ट स्टेशन इज फेज 3 स्टेशन। डोर्स विल ओपन ऑन द राइट, प्लीज माइंड।
तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी जर्नी थी जो हमने स्टार्ट की थी सेक्टर 56 से। तो साइबर सिटी का एक राउंड लेकर अब हम पहुंचने वाले हैं सिकंदरपुर। तो सिकंदरपुर में ही हमारी जर्नी का एंड होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियो और बनाऊं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।